से है कि हमारे कर्नल साहब की नहीं सुन रही, उनकी मैडम सामने आई, एक वीडियो बनाया है कि हमारी मदद करो। यानी उनके साथ ऐसा होता है, एक रिटायर्ड कर्नल साहब है, फतेहपुर में जा रहे होते हैं, एक ट्रैक्टर वाला उनकी गाड़ी को टक्कर मार देता है, और कर्नल साहब जब इस चीज का विरोध करते हैं तो जो वो लोग हैं वो कर्नल साहब के विरोध में उतर जाते हैं। एक वृद्ध है, सीनियर सिटीजन है, हमारे रेस्पेक्टिव है, आईएएस है, ऐसे लोग जो रिटायर होकर के समाज में रह रहे, लेकिन समाज में अनदेखी, समाज उनकी अनदेखी कर रहा है, उनके ऊपर जो भट्टे वाले ट्रैक्टर वाले बोल और उल्टा पड़ते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं, खींचतान करते हैं। जब पुलिस में गुहार लगाई जाती है तो पुलिस भी उनकी नहीं सुनती है, वो बोलते हैं कि यहाँ के एसपी डीएम मेरी जेल में रहते हैं, बिल्कुल रह सकते हैं। आजकल लोकल प्रशासन में ऐसा ही है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, आपके ऊपर सेना में कितने पद हैं या सेना में कितना बड़ा कद है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है सिविल में, ये आप देख सकते हो। यहां तो भाई जिसकी लाठी है, जो राजनीतिक चीजों से राजनीतिक उसका पैरामीटर अच्छा है, तो उसकी पुलिस भी उसके नतमस्तक करेगी, यानी उसके वोट बैंक हो, पैसा हो, यही सब चलता है, या तो अंधाधुंध भ्रष्टाचार है। उसमें कर्नल साहब की एक मैम साहब है, वो गुहार लगा रही है कि हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमें न्याय मिल सके। आप वीडियो को सुन सकते हो और कमेंट कर सकते हो। तो रास्ते में सलीमापुर गांव के पास एक ट्रक ट्रैक्टर बहुत तेजी से आ रहा था, जो कि कंट्रोल में नहीं था, और उसका ड्राइवर ड्रंक था, उसने बहुत तेजी से ट्रक को दाहिनी तरफ काटा और कस के हमारी गाड़ी, मेरे हस्बैंड ने बचाते बचाते उस गाड़ी को फुटपाथ से भी किनारे दुकान की तरफ ले लिया, फिर भी उसने बहुत कस के ट्रैक्टर वाले ने उसमें टक्कर मारी और आगे जाके दूसरी गाड़ी को टक्कर मारी। इसी बीच में हमारी गाड़ी जो थी, क्योंकि वो पूरी ऑटोमेटिक है, लॉक हो गई, मैं किसी तरह से को ड्राइवर सीट जिधर मैं बैठी थी उतरी और देखा मेरे हस्बैंड को कोई चोट तो नहीं लगी है, बट फिर मैंने अपने हस्बैंड को उतारा, और जब मैंने अपने हस्बैंड को गाड़ी से उतारा तो उन्होंने जल्दी से उतर के, क्योंकि वो आर्मी से रिटायर्ड हैं बट कर्नल हैं और एक अपनी एक स्ट्रांग वो रखते हैं, तो उन्होंने तुरंत उतर के ड्राइवर को पकड़ लिया, और जब उन्होंने ड्राइवर को पकड़ा तो वहाँ के जो गांव वाले थे लोकल, उन्होंने इन्हीं के ट्रैक्टर ड्राइवर के मालिक को फ़ोन कर दिया, जो कि कोई भट्टा वट्टा वाले हैं, उनमें से उनके तीन चार लोग आए और वो मेरे हस्बैंड के साथ में मारपीट करने लगे कि आप ड्राइवर को छोड़ दीजिए, और मेरे हस्बैंड ने कहा मैं पुलिस को बुलाओ, मैं ड्राइवर को नहीं छोड़ूंगा, बट वो लोग बराबर जिद करते रहे कि नहीं ड्राइवर को छोड़ दीजिए, हम देख लेंगे, और ड्राइवर पूरा ड्रंक था और उसके पास में लाइसेंस भी नहीं था। तो जब मेरे हस्बैंड ने वो नहीं किया तो जब ये हुआ पुलिस को, तो उन्होंने ये बोला कि डीएम और एसपी तो मेरी जेब में है और देखते हैं पुलिस वाले क्या कर लेंगे और कौन क्या कर लेगा, और उसके बाद उन्होंने गाली गलौज मारपीट शुरू किया और वो मेरे हस्बैंड को घसीटते हुए धक्का मुक्की करते हुए पांच छह गांव वाले भी मिल गए, वो लोग उनको खेत की तरफ ले गए, और हम उस बीच में मैंने 100 नंबर पर डायल किया तो उस पर कोई रिस्पांस नहीं हुआ, बट वहां पे 112 नंबर की गाड़ी खड़ी थी और यूनिफॉर्म में पुलिस थी, वो भी उन्हीं को सपोर्ट कर रहे थे, कह रहे थे पैसा दे दीजिए और वो आप पैसा दे दीजिए, बात को खत्म करिए, यहाँ पे पैसा दे के बात खत्म करने की बात नहीं है, क्योंकि और मैंने इसका खुद वीडियो बनाना चाहा, जब मैं वीडियो बना रही थी तो उसमें से अंशु सिंह करके और ये लोग ने मेरे साथ खुद मेरे साथ में गाली गलौज की और मेरे हाथ को खींचा और मुझे थप्पड़ मारा, और मैं इस वीडियो को डाल के मैं आगे की महिलाओं से और यहाँ फतेहपुर की जो जनता है और जो हमारी महिला समिति है, मैं उनसे ये आग्रह करना चाहती हूँ कि जो चीज आज मेरे साथ में हुई, मैं चाहती हूँ आप इसमें मेरा साथ दीजिए और मेरे साथ समाज में आगे आइए, ताकि आगे और किसी औरत के साथ में या किसी परिवार के साथ में इस तरह का अभद्र व्यवहार या गुंडाई ना हो, जो बताते हैं कि डीएम एसपी मेरे जेब में, कौन क्या कर। उन दोनों के नाम भी बता दीजिए। और इन दोनों के नाम है अंशु सिंह और शिव वरदानी सिंह, और तीसरा उनका कोई भतीजा था जो भी होगा, और ये जो है ये कोई पप्पू सिंह है, जितेंद्र सिंह सेंगर जो